आसान और झटपट वाली मैं आपको रेसिपी दूंगी क्योंकि मेरे पास फरमाइश थी कि आसान सी चिकन बिरयानी बनाना सिखाएं। तो आज की रेसिपी स्पेशली उन सबके लिए है जिनको खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता, या फिर वो बच्चे वो बच्चियां हॉस्टल में जो रहते हैं और वो अच्छी और मजेदार घर की बिरयानी खाना चाहते हैं और बिरयानी बनाना नहीं आती, तो ये रेसिपी लाजमी सीखें। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे पास वैसे फरमाइश थी कि हाफ के जी बिरयानी आप बनाना सिखाएं, लेकिन मैं यहाँ पर एक किलो की बना रही हूँ, साथ में मैं आपको हाफ के जी का भी बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले बिरयानी का कोरमा तैयार करेंगे। इसके लिए एक कप मैंने ऑयल लिया है। आप आधा किलो की बिरयानी बनाते हैं तो आपने आधा कप ऑयल लेना है। मसालेदार चटपटी बिरयानी की मेरे पास फरमाइश थी तो मैं चार बड़े साइज की इसमें प्याज डाल रही हूँ। आप आधा किलो की बिरयानी बनाएंगे तो आपने दो बड़े साइज की प्याज डाली है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको आधा किलो की रेसिपी भी दे रही हूँ। अब यहाँ पे आंच को तेज करके हमने सिंपल प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चम्मच चलाते रहें और प्याज पे कलर आने दें। तो ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा बेहतरीन सा कलर आ गया है प्याज पर। आंच को हल्का कर देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज पे मजीद कलर ना आए, प्याज जले नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। मैं एक किलो की बिरयानी है, सवा किलो चिकन डाल रही हूँ। आप आधा किलो बिरयानी बनाते हैं तो आधा किलो आप इसमें चिकन डाल सकते हैं। वन टेबल स्पून भर के ताजा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। आपने हाफ टेबल स्पून आधा किलो बिरयानी के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। ये मेरे पास होममेड बॉम्बे बिरयानी मसाला है, तकरीबन 4.5 टेबल स्पून। मेरे पास फरमाइश थी कि बॉम्बे बिरयानी मसाले से बिरयानी बनाना सिखाएं और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ ये वाला मसाला। अगर आप घर का बनाना चाहते हैं तो आपको मैं रेसिपी फ्राई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आप बाजार का भी यूज कर सकते हैं। और हाफ केजी के लिए आप 2.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डालेंगे। वैसे तो मसाला काफी है, ठीक है, कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन चटपटी बिरयानी मुझसे कहा गया था कि अच्छी स्पाइसी बिरयानी बनाना सिखाएं, तो मैं 4 हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, आप लोगों को भी अगर चटपटी बिरयानी खानी है तो हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1/2 कप मैं इसमें दही का डालूंगी। अगर आप आधा किलो की बिरयानी बनाते हैं तो आपने 1/3 कप इसमें दही का डालना है और 2 टीस्पून नमक। अगर आप बाजार का मसाला यूज करते हैं तो नमक की जरूरत नहीं है, घर के मसाले में मैंने नमक नहीं डाला, तो मैं 2 टीस्पून नमक डालूंगी। आंच को मैंने बंद कर दिया था ताकि मसाला जले नहीं। अब हमने क्या करना है, आंच तेज करके इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी। 2 से 3 मिनट आपने भुनना है, चाहे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लें, लेकिन भुनाई बहुत अच्छी करनी है कि मसाले का कच्चापन बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से इसको भून लें, प्याज बिल्कुल घुल जाए और मसाला अच्छा भून जाए। 2 से 3 मिनट अच्छा भून लेना है मसाले की। जब आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो ये देखें इस तरह का मसाला तैयार हो गया है, भुनाई इसकी बेहतरीन हो चुकी है। तो ये वाला पॉइंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मसाला कच्चा रह जाएगा और बिरयानी में आपको अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अब इसकी भुनाई हो चुकी है, अब हम इसमें बाकी की चीजें डालेंगे। क्या क्या डालेंगे, मैं इसमें 3 बड़े साइज की, मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। आपकी आधा किलो की बिरयानी है, आपने 2 बड़े साइज के टमाटर डाले, नींबू का रस जाएगा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हरा धनिया इसमें जाएगा आधी गड्डी और आधी ही गड्डी इसमें जाएगी पुदीने की। इसके अलावा मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, 6 से 7 हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च आपको जितनी पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 कप हम इसमें डालेंगे पानी का। आंच को हल्का कर देंगे और हल्की आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि जाहिर है चिकन कच्चा है, चिकन को हमें थोड़ा सा गलाना है, तो हम इसको हल्की आंच पे कवर करके तकरीबन मैं इसको रखूंगी 15 मिनट के लिए। चिकन है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 15 मिनट में अच्छा चिकन गल जाता है, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे फिर चिकन टूट जाएगा। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। चिकन हमारा बेहतरीन गल चुका है, टमाटर भी हल्के से नरम हो चुके हैं। अगर चिकन में हल्की सी कसर रह भी जाती है तो 15 मिनट हमें इसको दम पे भी रखना है, तो स्टीम में भी बाकी का जो चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा 1 किलो बासमती चावल लिए, धो के साफ कर लिया, साफ पानी डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इनको भीगने के लिए रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी में मैंने क्या क्या चीजें डाली है सब कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूंगी, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें डाल देंगे चावल, ठीक है। ये सारे के सारे चावल इसमें चले जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल हमने चावलों को 1 कनी कच्चा होने तक बॉयल करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने इसको बॉयल करना है, ठीक है। टाइमिंग भी मैं आपको बता रही हूँ, 7 से 8 मिनट आपने बॉयल करना है और इसके बाद चावलों को आपने निकाल लेना है। बासमती चावल है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 8 मिनट के बाद बस इनको छान लें और चावल को अलग कर लें। दूसरी तरफ ये जो चिकन का हमने कोरमा तैयार किया था इसको मैंने बड़े पतीले में डाला है ताकि चावल अच्छे खिले खिले बने, दम अच्छा है। चावलों को हमेशा खुले और बड़े पतीले में बनाया करें। अब देखिए मैंने तो सबसे पहले लेयर जो डाली है वो कोरमे की डाली है, ऊपर से सारे चावल डालूंगी। आप बिल्कुल उसी तरीके से बनाएं जिस तरह से आप घर में बनाती हैं, लेयर बाय लेयर। पहले आपने चावलों की लेयर लगानी है, फिर कोरमे की लगानी है, फिर चावलों की लगानी है। आप लेयर बाय लेयर भी बना सकते हैं या फिर ये वाला तरीका भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फूड कलर, लाइट ऑरेंज फूड कलर डाला है और उसके बाद डार्क ऑरेंज फूड कलर डाला है और मैं ये वाले फूड कलर यूज करती हूँ, ठीक है। दोनों में से आप एक फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 डालें, लेकिन इससे 2 कलर जरा अच्छे आते हैं और बिरयानी का लुक भी अच्छा आता है। जो भी मिल जाता है आप अपने हिसाब से इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसको कवर करेंगे, 2 मिनट तेज आंच पर रखेंगे ताकि स्टीम बने, और स्टीम जब बन जाती है तो आपने मजीद 15 मिनट इसको दम पे रखना है। अब देखें चावलों को दम आ गए, तकरीबन 16 से 17 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी धुआं निकलती हुई हमारी बिरयानी माशाल्लाह से तैयार है। अब मैं आपको मिक्स करने का भी तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बिरयानी है जिनको बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं आता। आपने हमेशा चावलों को नीचे की साइड से लाते हुए ऊपर की तरफ मिक्स करना है, क्योंकि मसाला नीचे ही होता है ताकि चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन आपने बहुत ज्यादा इसको मिक्स नहीं करना कि चावलों की खिचड़ी पक जाए, सारे कलर बिरयानी के नजर आने चाहिए, यही एक बिरयानी की खास बात है, ठीक है। बस आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। अब इसके निकालने का तरीका, हमेशा ये देख रहे हैं प्लेट में नीचे से लाते हुए ऊपर की तरफ ला रही हूँ ताकि जो नीचे का मसाला है वो भी आए, व्हाइट चावल भी आए और सारे कलर आए और चावल टूटे भी नहीं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको प्लेट में निकालें, ट्रे में निकालें, जिसमें भी आपने निकालना है। लेकिन आप देख रहे हैं मैं किस तरह से चावल निकाल रही हूँ, नीचे से प्लेट
इस तरह से घुमाते हुए आपने ऊपर की तरफ लानी है ताकि व्हाइट चावल भी आए, मसाले वाले चावल भी आए। बिरयानी को सर्व करने का भी यही तरीका होता है कि बिरयानी में मसाला भी आए, व्हाइट चावल भी आए और जितने कलर्स इसमें हैं वो बिरयानी में नजर आने चाहिए, तभी बिरयानी का लुक भी अच्छा लगता है और फिर खाने में तो ये अच्छी लगेगी।